सीएम जयराम ठाकुर ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के आवासीय परिसर का उद्घाटन और 4.90 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले शिक्षक सदन का वर्चुअली शिलान्यास किया। इस दौरान स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए गए कुलगीत और प्रार्थनाओं का भी सीएम द्वारा रिलीज किया गया। साथ ही स्कूल शिक्षा बोर्ड के हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत में प्रकाशित त्रिभाषीय समाचार विवरणिका का विमोचन किया गया। गौरतलब है कि ये कार्यक्रम पहले 12 दिसंबर को निर्धारित था, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे के चलते इस कार्यक्रम को बाद में किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, विधायक विशाल नेहरिया, स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी, बोर्ड सचिव अक्षय सूद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है, लिटरेसी रेट में हम केरल के बराबर पहुंच गए हैं और अब हमारा फोकस क्वालिटी एजुकेशन पर है। नए कॉलेज पर स्कूल खोलने के बजाय आधारभूत ढांचा विकसित करने के साथ स्टाफ के लिए कार्य करना जरूरी है, क्योंकि इसमें हम अभी भी कमी महसूस कर रहे हैं। 34 साल बाद नई शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर आई है, भविष्य में इससे शिक्षा का स्वरूप और बेहतर होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम वर्चुअली जुड़ करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के आवासीय परिसर का लोकार्पण, जो 1.71 करोड़ की लागत से बन करके तैयार हुआ, उसका लोकार्पण आज हमने किया। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश शिक्षा स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय धर्मशाला में जो हमारा शिक्षक सदन बनना है, उसके लिए भी बहुत लंबे समय से आग्रह था कि इसको शुरू किया जाए, ये बनना चाहिए। तो आज उसका 4.90 करोड़ की लागत से उसका विधिवत शिलान्यास किया गया। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि मैं ये चाह रहा था कि ये कार्यक्रम हम आपस के इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ना जुड़ करके वर्चुअली न करके आप सबके बीच में एक्चुअली आकर के करें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस बात के लिए बार बार आग्रह आ रहा था कि जो आवासीय परिसर है वो बन करके तैयार है, उसकी अलॉटमेंट होनी है और जल्दी करना चाहिए, ताकि वहां हमारे जो है वो जहां जिनको ये अलॉट होना है उनको ये सुविधा मिल सके। उस दृष्टि से हमने तय किया कि इसको विलंब नहीं करना चाहिए और आज हमने इस प्रकार से इस कार्यक्रम का विधिवत जो है उद्घाटन करके, लोकार्पण करके जो है इस परिसर को जो है वो आपके जो है वो उपयोग में लाने के लिए ये कार्य पूर्ण किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि शिक्षा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लिए आज से नहीं वर्षों से एक बेहतरीन क्षेत्र रहा, जहां अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम किया है। अभी भी इंडिया टुडे के जो हमारा सर्वेक्षण है, जो बड़े स्टेट हैं जिन प्रदेशों की जनसंख्या 60 लाख 70 लाख से ऊपर है, श्रेणी के सभी, उसके बाद बड़े राज्यों को भी, उसमें भी शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया है और उसमें हिमाचल प्रदेश ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उसके लिए भी मैं आप सबको, मंत्रिमंडल के हमारे साथी गोविंद ठाकुर जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि सीएम द्वारा वर्चुअली स्कूल शिक्षा बोर्ड के आवासीय परिसर का उद्घाटन, शिक्षक सदन का शिलान्यास किया गया है। वहीं सीएम ने बोर्ड द्वारा बनाए कुलगीत प्रार्थनाओं को रिलीज किया और बोर्ड की त्रिभाषीय समाचार विवरणिका का भी विमोचन किया। इसी के साथ स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रातःकालीन प्रार्थना सभा की गतिविधियों और बैग फ्री डे को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। आज 3 महत्वपूर्ण विषय पर ये वर्चुअल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार ने, नंबर 1 विषय कि लोकार्पण एक भवन का, जो कि यहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों के रहने के लिए एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है टाइप 4,
उसका किया है, जिसके ऊपर लागत राशि 1,71,00,000 से ज़्यादा आई है, और एक शिक्षक सदन और पुस्तक वितरण एवं मार्गदर्शन केंद्र ऐसे भवन का शिलान्यास हुआ है, और उसमें अनुमानित लागत जो है वो 4,90,00,000 के करीब है। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि विद्यालयों में जो प्रार्थनाएं हैं वो नए प्रकार की प्रार्थनाएं, पर्यावरण से संबंधित, बेटी बचाओ से संबंधित, या हिमाचल जिसमें हम रह रहे हैं उसके बंधन से संबंधित, ऐसी प्रार्थनाएं, नई प्रार्थनाएं जो बिल्कुल नई हैं, ऐसी बनाई हैं, उससे संबंधित एक पुस्तिका है, उसका भी विमोचन यहाँ पर हुआ है। और इसी पुस्तिका में कुछ और बातें, जैसे मॉर्निंग असेंबली, प्रातःकालीन सभा हमारी जो होती है वो किस तरह से चले उसकी एडवाइजरी है, और बैग फ्री डे, बस्ता मुक्त दिवस के दिन किस किस काल में कौन कौन सी गतिविधियां होनी है, ये इसमें सारा कार्य किया गया है। तो ये तीन कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा आज संभव हुए हैं। तो इसके लिए मैंने सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का और बोर्ड परिवार का धन्यवाद।